Meanwhile, so hair styling भी हो गई जबरदस्त तरीके से। इसी के साथ assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एक वेडिंग पे, ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ, पूरी फैमिली जा रही है, पूरी फैमिली इनवाइट है। तो मेरा जो पापा है उसका दोस्त है अगेन, एंड उसकी बहन की शादी है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। आज है मेहंदी रात, लेकिन ये जो शादी है ये बहुत ज़्यादा मस्त धमाकेदार होने वाली है, एंड मैं आपको सारा सीन दिखाऊंगा इस वाली शादी में। आज पहला पार्ट होगा इस सीरीज का, दो या तीन पार्ट आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप में से कोई चैनल पर नया देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का वो सब्सक्राइब दिख रहा है उस पर खाली टैप करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो फिलहाल मैं करता हूँ काम, सारे रेडी हो गए, तो कपड़े वपड़े मैंने लगा दिए, तो पापा को भी मैं नीचे दिखाता हूँ, वो भी एकदम मस्त तरीके से रेडी हुआ। तो हम निकलते हैं घर से एंड मिलते हैं वहीं पर, ज़्यादा दूर नहीं जाना, नजदीक ही जाना है, एंड बहुत मस्त तरीके से मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड आगे तक बने रहना, बहुत जबरदस्त होने वाली है ये वाली सीरीज। तो गाइस ये रहे मेरे कपड़े, ठीक है, जो मैंने परसों लाए थे, एकदम मस्त है। आप पापा एकदम रेडी, जरा लुक दिखा दो इनको गाइस को। क्या पापा, आज इसको आता नहीं व्लॉग बनाना, इसको सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब कर रहा, आज सब्सक्राइब कर रहा। चलो निकलते हैं, अब हमें कहां जाना है? हमें जाना है शादी पे। चलो 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 निकलते हैं। फिलहाल मैं फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, अब मैं प्रोफेशनल वाली व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं आपको ज्यादा व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, वॉइस ओवर मैं करूंगा, मैं आपको ज्यादा व्लॉग में नहीं दिखूंगा, वॉइस ओवर करूंगा, लेकिन जो मैं शॉर्ट लूंगा वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होंगे। एंड और एक बार, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि आपको फिर भूल जाता है सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गो, अब से मैं नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने को। तो अब रेडी हो जाओ शॉर्ट देखने के लिए, 1 2 3। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, एंड मैं उस जगह पे गया जहाँ पे वाजवान का सारा सिस्टम बनता है। आज के लागा और को रसस पे आ बात कर रहा है ड्रामा और हेलो यार युवा लोग बस ऐसे सीआर गसस पे सीआर गसस पे जज महाराज हिम्मत तकरीबन देवी जी आसस 9 बजे यूं से जमा आ गई बज दो दवा का शिलवा तो दा ये आप। तो अभी खाना देने का टाइम आ चुका था, एंड ये जो हमारे वाजा भाई है, जो इन लोगों ने पकवान बनाया था, ये वो गर्म करने में लग गए। कोई रिश्ते गर्म कर रहा था, कोई कुछ था, एंड ये जो तबक माज है इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। तो गाइस अभी खाने देने की तैयारी चल रही है, ठीक है, तो सारे जो जेंट्स लोग हैं वो टेंट में बैठे एंड ये खाना देने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा तितर बितर है, ठीक है, उधर इधर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि खाना देने में ऐसा ही होता है। मेरे से भी बोला गया जाओ खाना खाओ, एंड मैं टेंट की तरफ चल रहा था, एंड जिस हिसाब से टाइम गुजर रहा था उस हिसाब से महफिल भी गर्म होती जा रही थी। एंड सारे लोग हंसते मुस्कुराते अपने खाने की त्रामी का वेट कर रहे थे। हमने भी हाथ धोए एंड खाने के इंतज़ार में बैठ गए, एंड कुछ लड़के खड़ा रहे जो कि ये खाना परोसने में हेल्प कर रहे थे। एंड यकीन मानो ये टाइम किसी जश्न से कम नहीं था।
एंड खाने की स्टार्टिंग मेथी माज और कबाब के दो पीसेस से हुई। देखने में तो ये बहुत ही लजीज लग रहा था। सारे लोग खाना खा के मजाक मस्ती में लगे और वेट कर रहे थे सिंगर्स का, जो कि आज की इस मेहंदी रात को और भी शानदार बनाए। Meanwhile, सो गाइस फिलहाल खाना वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत सारे लोग थे जैसे कि आप सबने व्लॉग में देखा होगा। अभी औरतों को देना है खाना, आधा एक घंटा लगेगा। उसके बाद सिंगर्स भी आए हैं, एक यहाँ पे एक सिंगर नहीं है, बहुत सारे सिंगर हैं, लगभग 5-6 सिंगर हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है। ठीक है, आज है मेहंदी रात वैसे तो आप लोगों को मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ तक मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना। तो 10-15 मिनट लगेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, गाना वगैरह। आप लोगों के लिए 2 मिनट है, मेरे लिए 10 मिनट है। बाय बाय। और हाँ, वेट किस बात का था, कुछ ही टाइम के बाद सिंगर्स आए। और हाँ, यहाँ पे एक सिंगर नहीं है, यहाँ पे 4-5 सिंगर है जो कि कश्मीर के अभी टॉप सिंगर है। ठीक है, तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, आगे आप व्लॉग में देखोगे, आपको खुद पता चलेगा। एक साइड से सिंगर्स गा रहे थे, दूसरे साइड से ये बया सबको चाय परोस रहा था। एंड जो सारे लोग टेंट में थे, लेडी जेंट्स, वो चाय की चुस्की के साथ इन गानों का लुत्फ उठा रहे थे। तो कोई भी सिंगर हो, हर सिंगर के पास एक डांसर ज़रूर होता है जिसको हम कश्मीरी में बचकोट बोलते हैं, एंड इस टाइम पे वो बचकोट उठा डांस करने के लिए। तो जैसे ही ये डांसर धीरे धीरे से डांस कर रहा था, ये अपना टैलेंट दिखाता रहा। तो जैसी शादी वाजवान के बगैर इनकम्प्लीट है, वैसी ही मेहंदी रात केक कट करने के बगैर इनकम्प्लीट है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी इन लोगों ने केक लाया, अभी केक कट करने का टाइम आ चुका था। तो केक कट करने का समय धमाल का टाइम होता है, इस टाइम बहुत ज़्यादा जश्न होता है। Thank you.
तो ये जो मेरे साइड में बैठा है, इन्हीं की आज बहन की शादी है। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग इनको जानते ही होंगे अगर आप कश्मीरी सॉन्ग्स के शौकीन हो। एंड इसी के साथ ये सारी केक कटिंग कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे अब दूसरा सिंगर गाने के लिए आया, क्योंकि जो पहला सिंगर था उसके 2-3 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। तो ये जो इस मेहंदी रात के सारे सिंगर थे, ये बहुत ही ज़बरदस्त गा रहे थे एंड सारे लोग इनको पैसे फेंक रहे थे। एंड ये मेहंदी रात ख़त्म होने को आई थी एंड अभी सुबह का टाइम आ चुका था। अभी तो पता ही है, अभी रफ करने का टाइम होता है। So, फिलहाल गाइज आ गए घर, क्योंकि आज है मेन फंक्शन अब। तो क्यों वहाँ पे हम रात भर ऐसे ही थे, हम सोए हुए नहीं, क्योंकि गाना चल रहा था एंड बहुत ज्यादा मजा किया हमने, जैसे कि अपने व्लॉग में देखा भी। ठीक है, तो अभी मैं सोया बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिलहाल आज अब मेन फंक्शन, अभी हम घर आए कपड़े बदलने के लिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत रेस्ट किया थोड़ा बहुत, एंड कपड़े मैंने चेंज किए, ये तो वैसा वही है और ये डाला अंदर से, और पैंट वगैरह वही है। ठीक है, घर वाले भी डालेंगे कपड़े, वो भी हो गए रेडी। तो इस वाले पार्ट को इधर ही रहने देते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी बढ़िया व्लॉग के साथ, मतलब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, काल या परसों आएगा वो। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। एंड कमेंट्स में जरूर से बताना ये जो मेहंदी रात का सारा सीन, ये आपको कैसा लगा। ठीक है, बाकी हम जाते हैं अभी दावत खाने, वो आप देख लेना कल दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार देना। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। एंड जाते जाते हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है शूट करने में, एडिट करने में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। Oh, 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 oh